डर्मा रोलर से दाढ़ी कैसे उगाई जाती है। अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही है, आपकी भी पैची बियर्ड है, आपकी बियर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डर्मा रोलर का यूज़ कैसे किया जाता है, इससे कितने दिनों में दाढ़ी आती है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करके आप मुझसे मैसेज से बात कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात आती है, डर्मा रोलर से क्या सच में दाढ़ी आ जाती है। पहले हम जानते हैं कि डर्मा रोलर होता क्या है। डर्मा रोलर आप एक ब्रश की तरह मान सकते हो उसको। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं जो कि स्टील के होते हैं। इसमें कम से कम 200 से 500 कांटे के लगभग इसमें होते हैं, जो कि आपको जो बियर्ड रहता है उसको रोलर करने के लिए, यानी जो बियर्ड की जगह रहती है, जहाँ पर भी आपकी हेयर प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी आपको हेयर्स को उगाना है, आप बियर्ड उगाना है, मूंछ उगाना है, या आपको हेयर्स की ग्रोथ करना है, तो डर्मा रोलर का यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली बात यह आती है, इसके जो कांटे रहते हैं ना, आप बियर्ड की जगह पर या आप स्किन की जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ गर्ल्स भी करती है स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, स्किन पर जो डार्क सर्कल होते हैं या पर जो पिंपल्स होते हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस पर होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए डर्मा रोलर का यूज़ गर्ल्स भी करती है। लेकिन बहुत ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है दाढ़ी को उगाने के लिए या फिर हेयर्स को उगाने के लिए, यानी कुल मिला के हेयर्स की ग्रोथ करने के लिए डर्मा रोलर का यूज़ किया जाता है। तो ये कितने परसेंट सक्सेस माना जाता है, आजकल बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, बियर्ड को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आती है कि डर्मा रोलर से वाकई में दाढ़ी आ जाती है। आप इसका यूज़ जब करते हो, आपका जो फेस रहता है, आपकी जो बियर्ड की स्किन रहती है, जब आप वो रोलर को रोल करते हो, उसके बाद जो कांटे रहते हैं ना, वो आपकी बियर्ड की स्किन पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि सुई रहती है उस टाइप की। ये जैसे कि कोई आपकी स्किन पर सुई चढ़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सोचो 200 से 500 सुई अगर आपकी स्किन पर जाएगी तो आपकी स्किन पर ब्लड निकलने लग जाता है। ये एक थेरेपी मानी जाती है जो कि मेडिकल साइंस के द्वारा लोगों के बीच में लाई गई, जो कि बियर्ड की ग्रोथ करने के लिए, हेयर्स की ग्रोथ करने के लिए और स्किन को ग्लोइंग करने के लिए ये थेरेपी लाई गई है। लेकिन इसका यूज़ लगभग बहुत से लोग करते हैं। इसका यूज़ वो ही कर सकता है जिसके हेयर्स बहुत छोटे हों। अगर आप लंबे हेयर्स पर इसका यूज़ करते हो तो वो जो कांटे रहते हैं उस पर आपके हेयर्स फंस जाते हैं, जिसके बाद आप जब रोलर करते हो तो हेयर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटने लग जाते हैं। ये लगभग 1 से 10% ही लोगों के सक्सेस हुआ है, 90-95% लोगों के ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ है, चाहे वो बियर्ड के ग्रोथ के लिए हो, चाहिए आपकी हेयर्स की ग्रोथ के लिए हो। तो जो भी इसका यूज़ कर रहे हैं वो भला इसका यूज़ ना करें। इससे अच्छा वो EVM-400 विटामिन ई कैप्सूल या फिर पेंड्रम प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं बियर्ड की ग्रोथ करने के लिए, या फिर अमरबेल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छी क्वालिटी का आप बियर्ड ऑयल देख के बियर्ड पर यूज़ कर सकते हैं। डर्मा रोलर के पीछे जब आप पड़ते हो या वो आपके पीछे पड़ता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की संभावना रहती है। जो मैंने आपको स्किन पर अभी मैं देखो ये फोटो बता रहा हूँ, जब भी आप डर्मा रोलर का यूज़ करते हो तो बियर्ड से ब्लड, यानी जो आपकी स्किन रहती है बियर्ड की जगह, उससे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ब्लड निकलता है आपकी स्किन पर होल्स ही होल्स होने लग जाते हैं, जिससे कि वो होल्स अलग ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे स्किन हेल्दी होती है। वो मान सकते हैं कि स्किन हेल्दी होती है, लेकिन ये नहीं मान सकते कि 100% बियर्ड इससे आ जाती है। तो आप जो भी डर्मा रोलर का यूज़ कर रहे हो वो भला ना करें। 1% या 10% चांसेस रहते हैं, तो आप 90% का रिस्क ले सकते हो अगर आपकी मर्जी। इससे नुकसान आपको क्या क्या हो सकते हैं, इससे नुकसान हो सकते हैं जब ये डर्मा रोलर आप फेस पर यूज़ करते हो, स्किन पर यूज़ करते हो, जिससे ये होल्स होने लग जाते हैं, वो होल्स पकने की संभावना भी रह जाती है, यानी स्किन पर कहीं ना कहीं आपके ये होल्स साइड इफेक्ट करने लग जाते हैं, बहुत से लोगों को देखा जाता है। और ये अगर आपकी जो बियर्ड है, आपकी जो बियर्ड हेयर्स या फिर जो आपके हेयर से अगर आप उस पर यूज़ करो, उसके बाल बढ़े हैं, तो वो बाल झड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर बाल निकलने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसी इसके फ़ायदे तो लगभग बहुत कम देखे गए हैं, जो कि थेरेपी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए, या आपकी स्किन का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, या ब्लड सप्लाई के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, स्किन ग्लोइंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और जिस जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यूज़ कर लिए बियर्ड की ग्रोथ करने के लिए, तो वो भी एक बार इसका यूज़
कर सकता है। अगर आप 1 से 10% के बीच में हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, अगर आप 90% के बीच में हो तो आपकी बीएड कभी भी नहीं आना, इससे तो नहीं आना। तो जो भी इसका यूज़ करता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिसके क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, जिसने यूज़ किया, जिसके कितने दिन में बीएड आई है, वो भी इसका मुझे कमेंट या फुल रिव्यू करके मेरे चैनल पर कमेंट कर सकता है। अगर आपने इसका यूज़ कर रखा हो और आप मुझे अपना वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे अपना वीडियो शेयर करें, मैं वो टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बताऊंगा और आप मेरे चैनल पर मैं आपको शो भी करूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपने क्या क्या बताया। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।